महाराष्ट्र के मुंबई में टीआरपी घोटाले में थाना कांदिवली में धारा 409, 420, 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने तफ्तीश तेज कर दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में एक आरोपी को मिर्जापुर के कछवा थाना अंतर्गत तुलापुर गांव से गिरफ्तार किया है। विनय त्रिपाठी नाम के इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 3 सदस्यीय टीम उप निरीक्षक सुभाष मठे के नेतृत्व में जनपद पहुंची थी। इसमें कांस्टेबल जितेंद्र छेडगे और विनोद मादले भी शामिल हैं। कछवा थाने की पुलिस के सहयोग से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने विनय त्रिपाठी को उसके घर से गिरफ्तार किया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर इस गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंबई पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर पूछताछ के लिए मुंबई ले जाएगी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र से विवेचना में आए पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि मैं हंसा नाम की कंपनी में काम करता हूं, जो टीआरपी रेटिंग मशीन बीआरसी को घरों में लगाने का काम करती है। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए घर वालों को पैसा देकर ऑपरेटर की मर्जी से घर वालों को निश्चित चैनल देखने के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है। देखिए, टीआरपी वाले जो मामले में पुलिस आई हुई थी, वहाँ बॉम्बे की क्राइम ब्रांच की टीम आई थी। हमने केवल सहयोग प्रदान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे एक वांछित आदमी यहाँ पर रह रहा है, कछवा थाना अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में तुलापुर गांव में, राजेंद्र तिवारी का बेटा है, वो विनय तिवारी नाम उसका, लगभग 35-36 साल उम्र है। उसको हमने उनके सहयोग करके अरेस्ट करा के उनको सपोर्ट कर दिया है। ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई कर रहा है। मामला तो कि मुंबई पुलिस का मामला, जांच का विषय वस्तु उनका है, वही बता पाएंगे। लेकिन इतना जो चीज़ें आई हैं कि उनके खिलाफ 409, 420, 120 बी और 34 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है, उसमें ये वांछित अभियुक्त था। और जैसा उन्होंने पेपर प्रस्तुत किए थे, उसी पेपर के आधार पर हमने उनको सहयोग प्रदान करके गिरफ्तारी करा के कब गिरफ्तारी हुई है? कल शाम को इनकी गिरफ्तारी की गई है, रात में 8-9 बजे। और उसके बाद जो विधिक कार्रवाई हमारे लेवल पे होती है वो करके, क्योंकि जांच सारा तथ्यात्मक उनको जानकारी है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी क्या सिचुएशन है, अभी कहाँ लेके जाएंगे उसको? यहाँ माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेंगे। और जो ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया होती है, उसके बाद चूंकि समय 24 घंटे के अंदर पहुँचना चाहिए संबंधित पार्टी के, संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो जो उसका वो समय होता है उसको यहाँ 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करके ट्रांजिट रिमांड वही बताया गया है कि इसी संबंध में मुकदमा कायम हुआ था उनके यहाँ, उसी संबंध में सीआरपी के संबंध में जो मुकदमा उनके यहाँ कायम हुआ था, उन्होंने इतने बताया। अच्छा, और फिर जानकारी उन्हें।